नमस्कार दोस्तों, हाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 6 सितंबर को गई थी भारत के दौरे पर। वहां पर उन्होंने भारत के साथ कई कोऑपरेशन पर बात किया, लेकिन वहां पर बात हुई नेपाल की भी। और बांग्लादेश की पीएम ने रिक्वेस्ट की इंडिया से नेपाल और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इस समय बांग्लादेश की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है और उनको चाहिए नेपाल की मदद। जी हाँ, उनको चाहिए नेपाल की बहुत बड़ी मदद। लेकिन आखिर कारण है क्या? क्योंकि अभी से करीबन 7 महीना पहले ही बांग्लादेश थी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जिसने भारत को और कई बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है ग्रोथ के मामले में। और आज वही इकोनॉमी एकदम से संकट में है, मुश्किल में है, और उसको नेपाल से भी मदद चाहिए। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि बांग्लादेश की सडनली ऐसी हालत हो गई? और आखिरकार बांग्लादेश को नेपाल से चाहिए क्या जिसके लिए वो भारत से बात करने गया? और आखिर इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है? यही आज के हमारे चर्चा का विषय। तो आखिर बांग्लादेश को नेपाल से चाहिए क्या, ये जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि बांग्लादेश की सिचुएशन ऐसी आई कैसे। दोस्तों, ये बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक, और आज से करीबन 7 महीना पहले पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी बांग्लादेश के स्टेप्स को लेकर। साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने खुद बांग्लादेश को मॉडल ऑफ पॉवर्टी रिड्यूसर बना दिया था, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने देश में पॉवर्टी को काफी अच्छे से रिड्यूस किया, वो भी काफी कम टाइम में। एनालिस्ट का मानना था कि 2041 तक बांग्लादेश एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये सब हो रहा था कुछ समय पहले तक, तब बांग्लादेश काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा था और काफी अच्छी ग्रोथ भी दिखा रहा था। दोस्तों, आज के समय पर बांग्लादेश में पेट्रोल प्राइस करीबन 40-50% तक बढ़ चुका है, यानी कि एकदम से फ्यूल प्राइसेस में आग लग गई। वही आम लोग जिनकी हालत कुछ समय पहले तक काफी अच्छी हो गई थी, सडनली उनकी हालत खराब हो गई, उनके पास पैसे की कमी होने लगी, महंगाई बांग्लादेश में तुरंत बढ़ने लगी। वहीं कुछ समय पहले तक बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की आय करीबन $280 ज्यादा हुआ करती थी किसी एक इंडियन आदमी से, यानी कि वो 22,000 ज्यादा रुपए कमाता था किसी एक एवरेज इंडियन से। तो उससे समझ में आता है कि ग्रोथ तो थी, क्योंकि जब पैंडेमिक आया तो दुनिया भर की जीडीपी माइनस में थी, तब भी बांग्लादेश की जीडीपी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी करीबन 3% की, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था उस टाइम पर। तो अगर ये सारी एनालिसिस और डेटा अगर सही था और पॉजिटिव था, तो गड़बड़ कहां पर हो रही थी? तो बांग्लादेश की सरकार ने 2009 के ही बाद से कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उन प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा करप्शन हुआ, साथ ही साथ उनमें बहुत ज्यादा डिले हुआ। तो जो लागत थी प्रोजेक्ट की, वो 1-2 गुना नहीं, करीबन 3-4 गुना बढ़ गई उन प्रोजेक्ट्स की। दूसरी चीज ये भी हुआ, कई लोग हजारों करोड़ का लोन लेके बैंक से भाग गए, और ये सारा करप्शन कहीं ना कहीं जनता को ही पे करना पड़ता है। तीसरी चीज आई, काफी ज्यादा लोन बांग्लादेश की सरकार ने 2020 में ही पैंडेमिक के दौरान ही वैक्सीनेशन के लिए कई मिलियन डॉलर्स का लोन लिया। और ये IMF और वर्ल्ड बैंक जो भी लोन देते हैं उन पे इंटरेस्ट अच्छा खासा चार्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट उसका भी आता रहा। साथ ही इसमें चाइनीज प्रोजेक्ट और चाइनीज लोन भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व था। साथ ही साथ 2022 में अभी हाल ही में बांग्लादेश ने IMF से लोन की मांग की है, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी काफी कम पैसा बचा था खर्च करने के लिए। यानी कि बांग्लादेश काफी पहले से लोन ले रहा था और उनके इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहे थे, जो कि बांग्लादेश शायद पे कर देता। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई 2020 के बाद से पैंडेमिक की। जब से पैंडेमिक शुरू हुई तब से बांग्लादेश के ऊपर असर पड़ना शुरू हुआ। असर पड़ा इसलिए कि बांग्लादेश की जो 80% GDP है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, यानी कि कपड़े के व्यापार से है, और ये ट्रेड करती हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के साइड पर फैशन प्रोडक्ट्स बेचती हैं। यानी कि जो सारा ट्रेड होता है वो कपड़ों का होता है और टेक्सटाइल्स का होता है, और इससे बांग्लादेश काफी ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो 2020 में पैंडेमिक शुरू हुई, बांग्लादेश पर थोड़ा असर उसका दिखने लगा। कई जगह लॉकडाउन और इन चीजों के चलते बांग्लादेश को बहुत सारी चीजें बंद करनी पड़ी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के पास कई ऑर्डर आते रहे और काम चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम मेन शुरू हुई तब जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया, और इसी के चलते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा, और आज इसीलिए बांग्लादेश को नेपाल से मदद चाहिए। अब आप लोग कहो कि इतनी दूर रशिया और यूक्रेन में वॉर हुई तो बांग्लादेश पर असर क्यों पड़ा? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि कपड़ा बनाती हैं, और ये कपड़े बनाने के लिए बहुत सारी मशीनरी काम करती है जिनको चाहिए बिजली। और बांग्लादेश की इस बिजली बनाने के प्रोसेस में ही उसके पतन का कारण छिपा था, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार को चाहिए थी बहुत सारी बिजली इन कंपनीज को चलाने के लिए। तो बांग्लादेश की सरकार ने करीबन 7.1 बिलियन पैसे खर्च किए और प्राइवेट कंपनीज से कहा कि जल्दी से बिजली बनाने के तरीके ढूंढो और फटाफट से बिजली बनाओ, जिसमें इन प्राइवेट कंपनीज को भी बांग्लादेश की सरकार ने काफी अच्छी टर्म कंडीशन दे दी कि अगर हम आपसे बिजली खरीदेंगे भी नहीं तब भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे जरूर देंगे, और वो आपको साल दर साल देते रहेंगे, और बिजली खरीदेंगे उसका पैसा तो देंगे ही देंगे। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी लग गई
फटाफट से बिजली बनाने में। जो सबसे सरल और सबसे आसानी से बिजली प्लांट खुल सकते हैं सबसे जल्दी, वो प्राइवेट कंपनी खोल सकती थी नेचुरल गैसेस के। तो उन्हीं नेचुरल गैसेस से चलने वाले बहुत सारे पावर प्लांट खुल गए बांग्लादेश के अंदर, जिससे बहुत जल्दी और बहुत सारी बिजली बनने लग गई बांग्लादेश में, और उस बिजली को यूज में लाया गया बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। और इसी के चलते कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के हर एक कोने में भी बिजली पहुंच चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज के पावर प्लांट चल गए जो कि नेचुरल गैसेस पर बेस्ड थे। बताया जा रहा है कि 63% जो बांग्लादेश की बिजली है वो बन रही थी नेचुरल गैसेस से। और यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई तब जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध के चलते नेचुरल गैसेस के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि रशिया के ऊपर लग गया बहुत सारा सैंक्शन और दुनिया की करीबन 40-50% जो नेचुरल गैसेस है वो रशिया ही सप्लाई करता है, जिसके चलते फटाफट से नेचुरल गैसेस के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ गए और बांग्लादेश की बिजली प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि नेचुरल गैस उसको मिल ही नहीं रही थी और मिल रही थी तो बहुत महंगे दामों पे मिल रही थी, जो कि वो ले नहीं सकते बिजली बनाने के लिए। अब हुआ है कि बांग्लादेश में इंडस्ट्रीज ठप हो गई क्योंकि बिजली की कमी थी, बिजली थी नहीं, जिसके चलते जो उनको ऑर्डर्स मिल रहे थे वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे थे कपड़ों के। एक बार इंडस्ट्री बंद हुई, बहुत सारा पैसा गया, बहुत सारे ऑर्डर गए, जिसके चलते पूरी इकॉनमी ठप पड़ गई। और ऊपर से बांग्लादेश की सरकार को उन प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के भी पैसे पे करने थे, जो कि आज भी पे करने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी आ गया, ना ही बिजली बन रही है ना ही इंडस्ट्रीज में बिजली पहुंच रही है, और बांग्लादेश की इकॉनमी जो 80% ट्रेड पर चल रही थी वो भी पूरी तरीके से बंद हो गई, जिसके चलते ही बांग्लादेश में अचानक से फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए 50% तक और सारी चीज़ें महंगी हो गई। और इसीलिए बांग्लादेश को अब पुख्ता मदद चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेरी मेथड जो कि बिजली बनाने के थे वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के फेल हुए। और इसीलिए बांग्लादेश चाहता है नेपाल की मदद, क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि नेपाल के पास बहुत सारी हाइड्रो पावर है जो कि पूरी गर्मी के टाइम पर नेपाल में काफ़ी ज़्यादा होती है। नेपाल सरप्लस बिजली बनाता है जो कि उसके यूज़ की भी नहीं होती है, और हमेशा वो सरप्लस बिजली रहती है। नेपाल के कई और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं जिससे कई और मेगावाट बिजली बन ही रही है, और बांग्लादेश ने भी नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अपना इन्फ्लुएंस दिखाया और अपना इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उसकी इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से ग्रो करने में मदद करेंगी, और ये तरीका कहीं ना कहीं टेम्परेरी नहीं होगा। और इसीलिए बांग्लादेश चाहता है नेपाल से बिजली, क्योंकि नेपाल के पास इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के पास इंडस्ट्रीज है, लेकिन बांग्लादेश के पास बिजली नहीं है और नेपाल के पास बिजली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा नेपाल और बांग्लादेश के बीच में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, जिसके लिए ही दोनों देश को चाहिए एक ट्रांसमिशन लाइन जो कि इंडिया से होकर जाएगी। और इसीलिए शेख हसीना इंडिया आई थी तो उन्होंने नेपाल के ऊपर बात की, और साथ ही साथ बात की नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ट्रांसमिशन लाइन की, और इंडिया से आग्रह किया कि इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शुरू करवाया जाए, जिससे चलते बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी और नेपाल को भी इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश को बिजली बेच पाएगा नेपाल। तो यही थी वो प्रॉब्लम जिसके लिए बांग्लादेश को चाहिए नेपाल की मदद। आपको क्या लगता है कि नेपाल को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद। NI News।